जब अत्याचार होता है तो कोई सवाल नहीं उठाता है। क्या नाम हुआ? जाते थे घर तक, वो रोड जोतने आए तो मम्मी ट्रैक्टर से आए। नॉर्मल है, अभी तो आप ही बताएंगे ना क्या वजह है कि नहीं बोल पा रहे हैं, किसी का दबाव है या प्रधान तो रहबा कैलन, वही सब कैलन है, मरबा पिटवा कैलन है सभी लोग। तो ये नहीं तो प्रधान तो महिलाओं से हम हैं, महिलाओं से देश है, महिलाओं से कल है, लेकिन जब महिलाओं पे प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है तो वहाँ पे लोग आते नहीं है। आज इन महिलाओं को गौर से देख लीजिए, ये महिलाओं को आज आप देखेंगे तो कचहरी पे आके बैठी हैं और मुख्यालय पे ये लोग धरना दे रही हैं और अपने बारे में यहाँ के अगर देखा जाए तो निदेशालय में, यहाँ के मुख्यालय में सभी लोग को अपना पर्चे बता बता के करा करा के चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि मेरे साथ हुआ क्या है साहब, हुजूर सुनेंगे कब आप, लेकिन सुना नहीं जाता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो तारीख हमेशा लगी रहती है और ख़त्म नहीं होती। इस लड़की को देख लीजिए, वही कहते हैं लोग कि पढ़ेगी बेटियाँ तो बढ़ेंगी बेटियाँ, लेकिन बेटियों के साथ जब अत्याचार होता है तो कोई सवाल नहीं उठाता है। क्या नाम हुआ? शिवानी पटेल। रानी पटेल नाम है, कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मवैया से। क्या हुआ है थोड़ा सा बताएंगी, वजह क्या था? मतलब हम लोग जिस रोड से जाते थे घर तक वो रोड जोतने आए तो मम्मी ट्रैक्टर से आए थे जोतने, वो सब तो मम्मी गई थी रोकने उसे, तब फिर सब लोग छेड़खानी करने लगे और सबको मारने पीटने लगे। कौन कौन था? प्रधान थे और प्रधान बाहरी लोगों को लेकर आए थे, प्रधान भी जीते थे। अब देखिए मुखिया को बताया जाता है और बनाया जाता है इसलिए कि गांव का अगर समस्या होगा तो वो समाधान करेगा, लेकिन मुखिया जब लाठी उठा लेता है उसी गांव की समस्या को निदान करने के बाद और समस्या बढ़ाने लगता है तो उस मुखिया को आप क्या कहेंगे, उस प्रधान को क्या कहेंगे? ऐसे प्रधान भी सामने आ जाते। प्रधान क्या बोला वहाँ का? प्रधान भी मार रहा था? हाँ प्रधान। तो वो जमीन कैसी थी? जमीन अगर बात किया, जमीन किस तरह की थी? वो जमीन जैसे रोड थी पहले से ही, अब हम लोग छोटे हैं तो इतना तो थोड़ा। अच्छा, आपके घर में और कौन कौन है? सब बहुत सारे लोग। तो और मर्द लोग नहीं आए थे, आदमी वहाँ पे नहीं पहुँचे थे? नहीं, उस टाइम कोई नहीं था घर पे, बस महिलाएं ही थी। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ महिलाएं थी। आपके साथ कैसे चोट लगा, कहाँ कहाँ चोट लगा है बताइए ना, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना। अब देखिए कहने में भी शर्मा रही है, चूँकि मेडिकल मेडिकल हुआ है कि नहीं आपका? हुआ है। मेडिकल में क्या बताया गया? नॉर्मल बताया ना। अभी चोट आपको गंभीर है? क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है कि चोट गंभीर है कि नॉर्मल है? अभी तो आप ही बताएंगे ना क्या वजह है कि नहीं बोल पा रहे हैं, किसी का दबाव है या फिर कुछ ऐसा है? नहीं सर, दबा नहीं है, डर है ना, वो लड़की के साथ हुआ है, वो डर है, सबको सभी लोग मारे हैं, हमको भी मारे हैं सभी लोग। सभी लोग के साथ ऐसा? हाँ, वो हमारी हाथ टूट गया है। अच्छा, पैर टूट गया है। अब तो वहाँ पे आदमी, गांव के आदमी लोग नहीं थे? घर का आदमी लोग। कोई बीच बचाव नहीं किया? नहीं नहीं। हाँ। कोई नहीं। उसमें मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी हम ही लोग हैं। अरे नहीं, वो आपके विपक्ष में कौन था? प्रधान जी थे? प्रधान तो रहबा कैलन, वही सब हुआ कैलन है, मरबा पिटवा कैलन है सभी लोग। तो ये नहीं तो प्रधान तो बचाने के लिए बनाया जाता है। हाँ तो बचाएगा तो वही सब लोग, सभी लोग तो मारे ना, हमको भी मारे थे हमारी। अच्छा, जमीन कैसा था जिसपे आप लोग, मतलब सरकारी था कि प्राइवेट? नहीं प्राइवेट नहीं है, घर का है। मतलब आप लोग का है वो? आप लोग का है? हाँ, हम लोगों का है। हाँ, तो उसमें क्या सड़क खड़ंजा बिछा रहा है इसी की सड़क? खड़ंजा के हम लोगों का जाने आने के लिए जगह नहीं है तो उसीलिए वो आकर जोतने लगा। तो आकर जोतने लगा? हाँ, अपना ट्रैक्टर लेकर आया, जोतने लगा। वही बोल रहे थे हम लोग ना कि ये जोता नहीं जाएगा, तो हम लोग कहे कि चलो पहिया की तरह आओ, हम लोग दबा देंगे। अच्छा। हाँ, अब लोग हम लोग जाएंगे। अच्छा, वो जमीन सरकारी है कि प्राइवेट है ये मैं जानना? हम लोगों का। आप लोगों का? आपके आप लोग का कागज है उस जमीन का? हाँ, हाँ, अब हमारे जेठ लोग जानेंगे ना, हम लोग तो महिलाएं हैं तो क्या जानेंगे। तो आज मुख्यालय पे किस लिए आई हैं, यहाँ पे किस लिए आई हैं? यह सब कहले रहना की यहाँ चला के वही उठी अपन देवा को ही एप्लीकेशन देने के लिए। एप्लीकेशन बदे अब देखिए एसएसपी साहब को। हाँ, वही एसएसपी साहब के दे। अब देवल भाई, अब हमने कल जब दिमाग को चोट लगा है इसे उधर उधर बताएंगी। मैं मोहिया गांव की रहने वाली हूँ, मेरा नाम है निर्मला पटेल। और क्या पूरा वारदात बताइए, क्या हुआ था?
हम लोग को आने जाने का 10-20 घर है, आने जाने का रास्ता नहीं है, वही रास्ता को लेकर विवाद हुआ। हम बोले कि ऐसा है कि 10 लोग आप लोग जुड़ जाइए, 10 लोग हमारे घर के पुरुष नहीं है, और एकत्रित होकर बात कर लीजिए, जहां आपका होगा आप ले लीजिए, जहां मेरा है मैं हम ले लेंगे, यदि हमारे में निकलेगा तो आप ले लीजिएगा। तो उसके बाद वो इसी पर लाठीचार्ज करने लगा। अच्छा, मतलब इतने बोले पे लाठीचार्ज प्रधान जी करने, थोड़े तैयारी से आया था और बोला कि प्रधानी गई से माता जी, वो जमीन सच में सरकारी है कि आप सरकारी, आप जाकर देख लीजिए सरकारी है, वो कह रहे हैं कि भूदान की जमीन, बंजर जमीन है। जी जी, तो बंजर जमीन है तो प्रधान तो कैसे जोत सकता है, ना आप ही जोत सकते हैं। नहीं तो हम कोई उस पे, अब तो कब्जा कर लिया है, कब्जा कर लिया है, हम लोग आते जाते हैं उसको रोक रहा है। कब्जा कौन किया है? वही प्रधान किया है जी। हाँ, हाँ, रोड में बनवाया है मकान, और अभी पटवाया नहीं है, आप आकर देख लीजिए। और हम लोग को धमकाता और चमकाता है, गाली देता है। अच्छा, प्रधान भी मारा आप लोगों को? अश्वनी पटेल ने मारा, कहा प्रधानी गई तेल लेने। जी, अश्वनी पटेल ऐसा कह रहा जी। अब देख लीजिए, बंजर जमीन के लिए इस तरह से इन लोगों के साथ वारदात किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, हालांकि प्राइवेट पार्ट से भी खेला जाता है। लेकिन अब तक की अगर बात किया जाए, वो भी गांव का मुखिया लोग बताते हैं कि गांव की समस्या को सुलझाता है, लेकिन जब मुखिया अपने आप पे आता है तो कहीं ना कहीं वो समस्या को बढ़ाता भी है। आप लोग कितना सहमत है इस वीडियो को देखकर कमेंट करके बताइएगा, क्या एक मुखिया को ऐसा करना चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए, या फिर लोगों के बीच में झगड़ा लगाना चाहिए, या फिर उस वारदात को, उस मुद्दे को उठा के और आगे बढ़ाना चाहिए? राजस्व विभाग का यह मामला है, क्योंकि राजस्व विभाग से यह मामला हो सकता था, लेकिन शायद मुखिया को पता नहीं था, या फिर मुखिया वही चाहता था जो अपने दिमाग में बैठा रखा था। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।